हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिजाइन डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड सीएनसी प्रोग्रामिंग में। तो दोस्तों, आज की वीडियो का आपने यहाँ पे कंटेंट और थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि यहाँ पे टेपर डाया की यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है कि हमारे पास यहाँ पे यदि लेंथ दे रखी होगी तो हमें यहाँ पे डाया किस तरीके से निकालना है यदि हमारे पास इस टाइप की ड्रॉइंग होगी तो। ठीक है ना, तो यहाँ पे ड्रॉइंग को सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए ड्रॉइंग में यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक डाया बड़ा वाला दे रखा है यहाँ पे 100 और यहाँ पे जो छोटा वाला डाया वो दे रखा है 50 और जिसकी टोटल लेंथ है ठीक है ना वो यहाँ पे दे रखी है 100। क्लियर। और यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट ने वो यहाँ पे ये पूछा है कि यदि यहाँ पे इसकी यहाँ पे जो लेंथ है यहाँ पे यदि ये 20 दे रखी होगी ठीक है ना, यहाँ पे 20 अगर यहाँ पे दे रखी है तो यहाँ पे डाया क्या बनेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसके डाया का कैलकुलेशन करना है, यानी कि हमें ये वाला डाया यहाँ पे निकालना है। ठीक है, क्लियर, इतना हमें समझ आ गया। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास जो जो वैल्यू है हम वो लिख लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कैपिटल डी, कितना दे रखा है 100। ठीक है, 100 दे रखा है। उसके बाद हमारे पास स्मॉल डी यहाँ पे दे रखा है 50। ठीक है, स्मॉल डी से हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे इसे 50। ठीक है ना, दो वैल्यू आ गई और टोटल लेंथ इसकी हमारे पास कितनी दे रखी है 100। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम यहां पे क्या लिख लेते हैं, टोटल लेंथ। ठीक है ना, टोटल लेंथ हमारे पास इसकी 100। ठीक है, अभी हमने यहां पे क्या करना है, देखिए हमें यहां पे ये वाला डाया निकालना है। तो इस वाले डाये को निकालने के लिए हमें यहां पे ये क्या करना है कि इसकी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के लिए हमें सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या चीज मिस हो रही है उसे हम फाइंड करेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, इस वाले डाय को, इस वाले डाय को। क्लियर, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए कैपिटल डी स्मॉल डी और टोटल लेंथ हमारे पास यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब हमें हमारे पास ये वाला डाय हमने निकालना है। तो यदि हम यहाँ पे क्या करें, अगर हम मान लीजिए ये वाला अगर यहाँ पे एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे अगर ये वाला एंगल निकाल लेते हैं तो हमें यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। ठीक है ना, हमारे पास एंगल आ जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पे लाल बट्टे कक्का वाले फॉर्मूले से हम यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू करके हम यहाँ पे लगा के उसे यहाँ पे लगा देंगे, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो हमारा यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होता है टेन थीटा इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2L। ठीक है ना, ये हमारे पास यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूले हम वैल्यू लिख देते हैं। कैपिटल डी हमारा है 100, स्मॉल डी हमारा है 50 अपॉन 2 इंटू यहाँ पे टोटल लेंथ हमारे पास जो यहाँ पे L से हमने प्रेजेंट करी है वो हमारे पास है यहाँ पे 100। ठीक है ना, अब यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, 50 अपॉन 200 यहां से इसे डिवाइड कर दिया, ये 1/4 इक्वल टू 0.25। तो यहां पे वैल्यू आपकी आ गई टेन थीटा इक्वल टू 0.25। अब इसके आगे हमने यहां पे क्या करना है, देखिए थीटा की हमने यहां पे वैल्यू निकालनी है, हमें यहां पे ये एंगल निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो यहां पे हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, तो थीटा इक्वल टू हमारा ये आ जाएगा इनवर्स में। ठीक है ना, यहां पर यह टेन इधर चले आएगा, तो टेन इनवर्स 0.25। अब हमने यहाँ पे tan इनवर्स 0.25 की यहाँ पे वैल्यू निकालनी है कितनी आती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करते कैसे होगा, उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं। शिफ्ट के साथ यहाँ पे tan प्रेस करना है हमने और tan के बाद लिख देना है हमने 0.25 इक्वल टू 14.036। ठीक है, 14.036। तो हमारे यहाँ पे वैल्यू क्या आई है, थीटा इक्वल टू 14.036। ये हमारे पास आ गया एंगल। ठीक है ना, डिग्री का मैंने यहाँ पे सैंपल लगा दिया। तो अब हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं थीटा इक्वल टू 14.036 वैल्यू यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा एंगल आया, ये वाला, तो ये वाला एंगल आ गया और ये सिमिलर दोनों एक जैसा रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये कितना है हमारे पास एंगल, ये हमारे पास आया है 14.036। ये 14.036 ये एंगल निकल के आ गया। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा आपको यहां पे क्या ध्यान देना है, अब देखिए ये 50 दे रखा है, तो यहां अगर मैं इस लाइन को यहां से पैरेलल कर दूं तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, इसे मैंने यहां से इसे पैरेलल कर दिया, इसे भी यहां पे मैंने इसे पैरेलल कर दिया। ठीक है ना,
अब देखिए 50 है यहां से यहां तक दे रखा है, तो इसका मतलब क्या, अगर मैं इसे दो भागों में डिवाइड कर दूं 25 ये हो जाएगा, 25 ये हो जाएगा, ठीक है 25। अब मैं क्या करता हूं, इस वाले पोर्शन को कट करके बाहर निकाल लेता हूं, ठीक है ना, जिससे क्या होगा मैं ये वाला डाया फाइंड कर लूंगा, ठीक है। तो यहां पर क्या करते हैं, हम इसको यहां पर इस तरीके से बाहर निकाल लेते हैं, और यहां पर देखिए मैंने एक त्रिभुज बना लिया संपूर्ण, ठीक है ना, इस तरीके से मैंने यहां पर निकाल लिया। अब देखिए यहां पर क्या है, अब देखिए यहां पे जो इसकी लेंथ है वो तो यहां पे इसकी 20 दे रखी है ना, ये लेंथ इसकी यहां पे 20 दे रखी है, तो यहां पे ये वाली हमारे पास 20 ये वाली हो गई बेस, इसका मतलब कि ठीक है ना, ठीक है, लंब के सामने कर्ण और ये आधार, ठीक है। और एंगल हमारा कितना दे रखा है, एंगल है हमारे पास 14.036, ठीक है ना, ये हमारे पास यहां पर एंगल दे रखा है, ठीक है, इतना हमें पता चल गया। अगर हम ये वाली वैल्यू निकाल लें तो हमें यहां पे ये वैल्यू मिल जाएगी, और 25 हमारे पास ये दे रखी है तो हम उसे कर देंगे ऐड, ठीक है ना, दोनों साइड सिमिलर इसी तरीके से होगा। अब देखिए यहां पे क्या करना है, हम यहां पे लाल बटे कक्का, ठीक है ना, हम यहां पे ये लगाते हैं, तो हमारे पास यहां पे देखिए सबसे पहले हम यहां पे फिर से वैल्यू लिख लेते हैं, हमारे पास यहां पर आधार दे रखा है आधार, ठीक है ना, तो यहां पर ए इक्वल टू हमने वैल्यू लिख ली 20, और थीटा इक्वल टू हमारे पास जो दे रखा है यहां पर थीटा है हमारे पास 14.036 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे हमारे पास ए और थीटा दे रखा है, ए अगर हमारे पास ये दे रखा है तो हमारे पास लंब मिल जाएगा, ठीक है, ये लंब हमारे पास मिल जाएगा, तो लंब जब हमें मिलेगा तो हम यहां पे किसमें यहां पे वैल्यू को डालेंगे, देखिए ये हमारा होता है साइन के लिए, ये होता है कॉस के लिए, ये होता है टैन के लिए, इसी तरीके से ये अपोजिट हो जाते हैं अगर आपने करना है कॉस एक्स सेक और कॉट, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू एल अपॉन ए लगा देंगे, ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल टू एल अपॉन ए, इतना समय आ गया, थीटा की वैल्यू 14.036 रखनी है, टेन 14.036 एल हमने निकालना है, और आधार हमारे पास दे रखा है यहां पे 20, ठीक है। अब हमने यहां पे इसकी क्रॉस यहां पे मल्टीप्लाई कर देना है इसे, तो 10 14.036 इंटू 20, ठीक है, इस तरीके से, और एल हमने निकाल लेना है, ठीक है ना, तो एल बराबर हमारा कितना आएगा, अब हमने यहां पे करनी है इसकी कैलकुलेशन, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं यहां पे, हाँ तो यहां पे हम इसकी क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है ना, तो 10 हम सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे, 10 14.036 इक्वल टू हमारी वैल्यू आई है 0.2, ये देखिए यहां पे लिख देते हैं 0.24999, ठीक है ना, इंटू 20। अब यहां पे वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी आती है, इंटू 20 ये हमारी आ गई 4.999, ठीक है ना, वो 5 ही हो जाएगी, तो हम यहां पे 4.999 जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, वो यहां पे हमारे पास आ रही है एल बराबर 5, ठीक है ना, तो हमारे पास जो लंब मिला है वो हमें मिला है यहां पे 5, ठीक है ना, ये हमें पता चल गया यहां पे लंब कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, क्लियर। अब देखिए यहां पे हमारे पास जो वैल्यू आई वो यहां पे तो 25 है, यानी यहां से इस पॉइंट से यहां तक 25 है, और ये आई हमारे पास 5, और इसी तरीके से यहां पर यह भी 5 हो जाएगी, तो टोटल कितनी हो गई, 25 और 25 50 50 और 5 55 55 और 5 60, टोटल हमारे पास ये वैल्यू जो फाइंड हुई है वो आ गई हमारे पास 60, ठीक है ना, ये देखिए ये वैल्यू हमारे पास आ गई 60, ठीक है ना। इसी तरीके से जब हमारे पास ये डिजिट, ठीक है ना, जीरो के डिजिट में अगर कोई वैल्यू दे रखी हो, तो हमें यहां पे एक तरीका और भी इस तरीके से भी कर सकते हैं। अभी हम यहां पे देख रहे हैं कि देखिए यहां से यहां तक की टोटल लेंथ हो तो हमारे पास यहां पे कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है, ठीक है ना, लेकिन यहां से छोटे डाई से बड़े डाई की तरफ जब जाएंगे तो 50 है, यानी कि 20 के हमारे यहां पे लेंथ में 10 यहां पे डाया बढ़ रहा है, 40 पे 20 हो जाएगा, 60 पे यहां पे हमारा हो जाएगा आपका 30, और 80 पे हो जाएगा हमारा 40, और 100 की लेंथ पे हो जाएगा हमारा डाया 50, ठीक है ना। तो 20 के डाय पे हमारा जो है, ये देखिए 20 की लेंथ में यहां पे हमारा जो डाय है वो 10 बढ़ा, ठीक है ना, 5 इधर 5 इधर, इसी तरीके से 40 की लेंथ पे 20 बढ़ जाएगा, 10 इधर 10 इधर,
ठीक है ना। 60 में क्या होगा हमारी लेंथ में 15 15, और 80 पे हमारा क्या होगा 20 और 20, और 100 पे हमारा एक पल हो जाएगा 50 और 50, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, टेपर डायग कैलकुलेशन, ठीक है ना। यदि आपके पास यहाँ पे कोई टेपर का पार्ट है या टेपर कोई ड्रॉइंग है आपके पास, तो आपके पास यदि यहाँ पे कोई लेंथ अगर आपके पास गिवन है, ठीक है ना, तो आपने क्या करना है कि इसका यदि डायग फाइंड करना है वो किस तरीके से निकालना है वो आपको मैंने यहाँ पे तरीका बता दिया, ठीक है ना। तो इस मेथड का उपयोग करके आप यहाँ पे टेपर डायग कैलकुलेशन को यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ टेलीग्राम की, अगर आपने टेलीग्राम चैनल से मेरे जुड़ना है तो टेलीग्राम चैनल से भी आप मेरे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आपके लिए हाजिर हूँ, धन्यवाद।